नमस्कार दर्शकों, आप लोग देख रहे हैं चैनल वन और मैं हूं आपके साथ पिंकी जम्बॉल। वैसे तो हर साल गणेश चतुर्थी का त्यौहार बहुत ही खुशी के साथ मनाया जाता है। आपको बता दें कि आज गणेश चतुर्थी के पर्व के दिन पूरी भारत में ये पर्व पूरे ही हर्षोल्लास और खुशी के साथ मनाया जा रहा है। गणेश चतुर्थी के दिन सब लोग ये गणेश जी को अपने घर 10 दिनों के लिए लाते हैं और 11वें दिन उनका विसर्जन बहुत ही खुशी और प्यार के साथ किया जाता है। तो आइए चलिए कुछ लोगों से बात करते हैं और जानते हैं कि वो कैसे इस पर्व को बना रहे हैं। मैं गणेश जी का दिन है आज, मैं खुशी से गणेश मना रही हूँ। जे मैं ले रही हूँ गणेश भगवान जी, तो बड़ी खुशी है, धूमधाम से मना रहे हैं, हम सभी लोग मना रहे हैं जम्मू में। जैसे हम बाकी फेस्टिवल अपने सेलिब्रेट करते हैं, वैसे ही गणेश चतुर्थी का भी फेस्टिवल है जो हम सेलिब्रेट करते हैं। ये फेस्टिवल बाहर सेलिब्रेट करते थे, अब जम्मू के लोग ये फेस्टिवल बहुत ही धूमधाम से सेलिब्रेट करते हैं। तो मैं यही चाहूँगी जो भी ये फेस्टिवल मना रहे हैं इसको अच्छे से सेलिब्रेट कीजिए। आज 2 सितंबर को गणेश चतुर्थी का दिन है, बड़ा ही बड़े उत्साह के साथ जम्मू के अंदर भी ये उत्सव जो है ये मनाना शुरू कर दिया है, क्योंकि भगवान गणेश जी की प्रतिमा को अपने घर लेकर गए और इससे सुख समृद्धि का जो हमारे घर पे आना और भगवान गणेश जी के घर पे आना एक उत्सव के बराबर है, उनको घर पे लाना। और जब रुखसत की बारी आती है, जब हमें विसर्जन की दिन होता है, तो ऐसा लगता है कि हमारे घर से एक सदस्य जा रहा है, लेकिन वो सदस्य जाता नहीं है, वो हमारे घर से सभी दुखों को लेकर जाता है और खुशियां हमें देकर जाता है। गणपति बापा मोरिया, पहले तो हर एक स्टेट में ये गणेश उत्सव मनाया जाता था। आज हम भी बड़े सौभाग्यशाली हैं कि हमारे स्टेट में भी ये गणेश उत्सव मनाया जा रहा है और हम चाहते हैं कि इस गणेश उत्सव को धूमधाम से मनाया जाए और हम भी आज इस गणेश उत्सव में भाग्य ले रहे हैं और हम चाहते हैं कि हमारी हर एक जगह पे ये गणेश उत्सव मनाया जाए और धूमधाम से मनाया जाए। गणेश चतुर्थी का त्यौहार श्री गणेश जी के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है, जो माना जाता है पार्वती और भगवान शिव जी के पुत्र हैं। ये त्यौहार हिंदू धर्म के एक बहुत प्रिय पर्व है जिसे पूरे भारत में बड़ी ही धूमधाम और प्यार से मनाया जाता है। ये त्यौहार खास तौर से महाराष्ट्र का बहुत ही महत्वपूर्ण पर्व है। गणेश चतुर्थी हिंदू त्यौहारों में से सबसे लंबे चलने वाले त्यौहारों में से एक है। बात करें अपने जम्मू शहर की, तो हमारे जम्मू शहर में भी श्री गणेश चतुर्थी की बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाई जा रही है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये श्री गणेश जी की सुंदर मूर्तियां और उनके चित्र बनाए गए हैं। मिट्टी से बनी श्री गणेश जी की ये मूर्तियां बेहद सुंदर है, जिनकी खरीदारी चल रही है। हिंदू धर्म के लोग गणेश जी को अपना इष्ट देवता मानते हैं। जब भी कोई शुभ कार्य करते हैं तब सबसे पहले इन्हीं की पूजा की जाती है। लोग गणेश चतुर्थी के दिन श्री गणेश भगवान जी की मूर्ति को अपने घर में स्थापित करते हैं और 10 दिन तक उनकी पूजा अर्चना करते हैं। हर दिन श्री गणेश महाराज जी को भोग लगाया जाता है, शाम के समय उनकी आरती की जाती है। 10 दिनों तक रोज़ पूजा करने के बाद 11वें दिन पूरी विधि विधान से उस मूर्ति को विसर्जन किया जाता है। माना जाता है कि ऐसा करने से भगवान श्री गणेश जी अपने सभी भक्तों के कष्ट दूर करते हैं और उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। जैसे कि आप सबने देखा, पूरे भारतवर्ष में गणेश चतुर्थी का त्यौहार बहुत ही धूमधाम और प्यार से मनाया जा रहा है, वैसे हमारे जम्मू में भी कितने अच्छे से ये त्यौहार मनाया जा रहा है। तो आप जुड़े रहिए चैनल वन के साथ विद मी प्रिंसी जम्वाल। गणपति बाप्पा मोरया।